सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अकबर अली और आप देख रहे हैं राउंड टू ब्लॉक। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी में किस चीज़ का कितना जो है फाइन ग्रामा आता है। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 100 से 150 रियाल आपको जो है मुखालफा लगेगा अगर आप बार बार हॉर्न को बिना वजह बजाते हैं, तो उसका भी मुखालफा आता है दोस्तों सऊदी में, जिसका जो है 100 से 150 रियाल आपको भरना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप बच्चों को आगे, यानी कि छोटे बच्चे हैं और उनको आप आगे बैठाते हो, तो उसका भी जो है मुखालफा आपको आएगा दोस्तों, जो कि आपको देना पड़ेगा 300 से 500 रियाल के बीच में, जो भी वो मुखालफा मार दे। तीसरी चीज़ मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर आप 20 मीटर से ज़्यादा गाड़ी को पीछे ले जाते हो, तो उसका भी मुखालफा आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको 150 से 300 रियाल का मुखालफा आ सकता है। तीसरा दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि दोस्तों अगर आप इशारे को तोड़ते हैं, तो दोस्तों 3000 से लेकर के 6000 रियाल तक का जो है उसका भी मुखालफा आता है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आप लोग को एक और बता देता हूँ कि अगर आप जो है गाड़ी उल्टा रॉन्ग साइड पे ले जा रहे हो दोस्तों, तो उसका भी 3000 से 6000 रियाल का मुखालफा आपको भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगली बार से आप ध्यान रखें कि गाड़ी को जो है उल्टा बिल्कुल भी, आप कितनी भी ज़रूरत हो आप उधर से मत ले जाए, थोड़ी सी जो है आगे से ले जाए, क्योंकि दोस्तों 3000 से 6000 रियाल आपको भरना पड़ सकता है। एक और बता, अगर आप दोस्तों गाड़ी में से कचड़े को बाहर फेंकते हैं, यानी गाड़ी में आपके जो कुछ भी है, टिश्यू पेपर हो गया, फाइन हो गया, या कोई भी चीज़ आपने खाया पिया जो भी चीज़ है और चालू गाड़ी में अगर आप फेंकते हो, तो 300 से 500 रियाल का जो है दोस्तों आपको उसका भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी को रॉन्ग पार्क, यानी कि किसी गाड़ी के पीछे जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे आप पार्क करते हो, तो दोस्तों उसका भी 100 से 150 रियाल का जो है मुखालफा है। अगर आप दोस्तों गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे खड़ी करते हैं और आप उतर जाते हैं और उतने में जो है पुलिस आ जाता है दोस्तों, आप नहीं है वहाँ पे, तो उसका भी 100 से 150 रियाल, यानी वो भी नो पार्किंग में ही माना जाएगा, उसका भी 100 से 150 रियाल का आपको फाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि सीट बेल्ट का भी मुखालफा है, जो कि है दोस्तों 150 से 300 रियाल। अगर दोस्तों आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिए कि मोबाइल का जो फाइन आएगा वो होगा दोस्तों 500 से 900 रियाल। दोस्तों अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप लाइन को चेंज कर रहे हैं और आपने जो है सिग्नल नहीं दिया, यानी कि आप जो जो आपके गाड़ी में इंडिकेटर है, अगर आपने इंडिकेटर को नहीं जलाया, लाइन आपने चेंज कर दी, तो उसका भी 150 से 300 रियाल का आपको मुखालफा भरना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लाइन बदलने का 500 से 900 रियाल का भी नया निजाम आ गया है। तो दोस्तों उसका सिस्टम ये है कि वो ऐसे नहीं आएगा, अगर आप लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, आप सिर्फ एक लाइन चेंज करते हो, तो आपका 150 से 300 रियाल ही आएगा। अगर आप दोस्तों अचानक से बाहर निकल जाते हो, या फिर आप अचानक से जो है पूरी लाइन, यानी इस लाइन में हो और पूरी एक किनारे लाइन में आ जाते हो, तब दोस्तों आपको 500 से 900 रियाल का मुखालफा आपको भरना पड़ सकता है। सबसे लास्ट में मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि अगर आप ब्रेक का बिना, यानी कि उसकी ज़रूरत नहीं है और आप बार बार ब्रेक को यूज कर रहे हैं हाईवे पे, तो दोस्तों उसका भी जो है मुखालफा है, जो कि 300 से 500 रियाल का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।